प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे किसी भी सफलता में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारी सोच क्या है, हमारी मानसिकता क्या है, हम किस प्रकार का सोच रखते हैं। उसी सोच के आधार पर, उसी मानसिकता के आधार पर हमें सफलता मिलती है, नहीं मिलती है, सफल होते हैं, ये सब हमारी सोच के ऊपर होता है, हमारे एटीट्यूड के ऊपर होता है, हमारे मानसिकता के ऊपर होता है। और बाइबल में एक जगह बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन उसका 23 अध्याय 7वां पद। नीति वचन उसका 23 और 7 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वो है, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वो है। कहने का मतलब, हमारा पूरा जीवन शैली, जीवनचर्या, जो भी हम करते हैं व्यवहारिक जीवन में, वो हमारे सोच पर आधारित है। हम किस प्रकार की सोच रखते हैं, हमारा व्यक्तित्व उसी के अनुसार ढलता है। अगर हमारा सोच एक मसीही सोच है तो हमारा जीवन भी वैसे ही ढलेगा। यदि हमारी सोच और किसी विचारधारा में है तो हम वैसे ही ढलते चले जाएंगे। अगर हम सोच करेंगे कि मुझे ये काम करना है तो हम कर लेंगे उसको। तो ये आपके और मेरे सोच पर, मानसिकता पर बहुत निर्भर करता है। नए नियम के समय में एक वेरी स्पेशल कलीसिया थी, और वो कलीसिया बहुत सोचने में, और उसने अपना मन बना लिया था कि हम ऐसा करेंगे। उसको हम बोलते हैं मकदुनिया की कलीसिया, मकदुनिया की कलीसिया। उसके बारे में ये बात हम पढ़ते हैं। मैं इससे पहले आपके लिए एक पद पढ़ूंगा, 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 11 पद। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 11 पद। इसलिए अब यह काम पूरा करो, पौलुस यहाँ पर लिख रहे हैं, इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, मतलब जैसे आपकी सोच थी एक दूसरे की सहायता करने के लिए, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार उसे पूरा करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। सो मन की तैयारी बहुत ज़रूरी है, हमारे सोच के, हमारे हृदय की तैयारी कोई भी काम करने के लिए बहुत नितांत आवश्यक है। और जो मकदुनिया की जो कलीसिया थी, वो हम देखते हैं कि वो बहुत गरीब कलीसिया थी, धनवान नहीं थी, बहुत गरीब कलीसिया थी। लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 2वां पद कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता भी बहुत बढ़ गई। जी हाँ, उनके पास क्लेश भी था और वो कंगाल भी हो गए। कंगाल का मतलब उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, धन दौलत नहीं था, फिर भी उनकी उदारता क्या हो गई, बढ़ गई। और उनका जो मन की तैयारी थी कि वो देने के लिए बहुत तैयार थे, उन्होंने अपना मन बना लिया था कि हम ये करेंगे तो हम ये करेंगे, हम दान देंगे तो हम दान देंगे। 3रे पद में लिखा हुआ है, और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर, वरन सामर्थ्य से भी ज़्यादा मन से दिया है। ये देखिए, ये मन की बात है मेरे दोस्तों। आजकल हम बहुत सारी बातें सोचते हैं, मन की बात, परमेश्वर की मन की बात क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके पास एक विलिंग, एक अपना तैयार किया हुआ मन था, इच्छा से कि हम उनकी सहायता करेंगे, और उन्होंने उन्होंने एक नमूना पेश किया। जी हाँ, और एक प्रकार का एग्जेम्पलरी अपने आप को प्रदर्शित किया, नमूना पेश किया। 4थे अध्याय में क्या है, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत सी विनती किया। गरीब थे, क्लेश में थे, फिर भी उन्होंने पहले मन बनाया और फिर उन्होंने देना शुरू किया। और इस प्रकार से उन्होंने कई बातों को दूसरों को भी सिखाने की कोशिश की। 7वें पद में हम ये बात पढ़ते हैं,
तो वो हमारे लिए और आपके लिए बहुत एक नमूना बन गए थे, आदर्श बन गए थे। लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ, धनी हो जाओ। और इस बात में मेरा यही विचार है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और तुम एक आदर्श का कारण बन गए हो। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श का कारण बना, हम भी प्रभु परमेश्वर के लिए एक आदर्श का कारण बने दूसरों के लिए। तो लिखा हुआ है 12वें पद में, मन की तैयारी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मन की तैयारी में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, जो एक विश्वासी होने के नाते क्या करना चाहिए। और पहली बात, मन की तैयारी में हमें देखना है कि हम दूसरों को दान दें, खुलकर दान दें, खुल करके दान दें, ताकि जो जिनको ज़रूरत है उनको वो पूरा हो सके। अगर हम अर्ली कलीसिया को देखें, जो पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, वहाँ पर लोग दिल खोल करके दान देते थे, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया था अपना, दे प्रिपेयर्ड देयर माइंड टू गिव। तो उन्होंने मन बना लिया था, और मन बनाने के साथ साथ हम देखते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को पैसा देना किया, अपनी भूमि भी बेच दिया, अपने घर बार बेच दिया, और जो पैसा आता था उससे जो गरीब लोग होते थे उनकी सहायता भी होती थी। पहला कुरिन्थियों और उसका 16 अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका 16 अध्याय पहले पद में क्या लिखा हुआ है, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतियों की कलीसिया को दी वैसा ही तुम भी करो, कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर वो चंदा न करना पड़े। तो मेरे दोस्तों, हम देखते हैं एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह होने के नाते, हमें अपने मन को बना लेना है कि हम दूसरों की सहायता करेंगे। अगर हमारा, अगर समझ लीजिए 1000 रुपया मतलब आमदनी है, तो कम से कम 100 रुपये तो हमारा होगा नहीं, हम उसमें से कम 100 रुपये तो हमें देना है दूसरों को, बल्कि उससे भी ज़्यादा हम दूसरों को दें। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 14 पद भी हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 14 पद क्या लिखा है वहाँ पर, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानती कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते वह मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते वे वेदी के साथ भागी हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से ही होती है। तो इसलिए हमें अपने जो लीडर्स हैं, अगुए हैं, पास्टर्स हैं, उनकी हमें जितनी हो सके फाइनेंशियल रूप में, आर्थिक रूप में सहायता करें और बड़े खुशी से दें। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि जो भी हम करें खुशी से करें, मन बना करके करें, कुड़कुड़ा करके ना दें, क्योंकि परमेश्वर कुड़कुड़ा कर देने वालों से खुश नहीं होता है। दूसरी बात, एक विलिंग माइंड, मन की तैयारी में हमें क्या करना है कि हम अपने मन को तैयार करें कि हमारा काम एकता लाना है। विश्वासियों का काम क्या है? एकता लाना है, एक यूनिटी, एक बनना है, अलग अलग हमें रगड़े झगड़े में नहीं पड़ना, अपने चर्च में किसी की बुराई नहीं करना। आप विश्वासी लोग एक मन बना लें कि मैं अपने चर्च में, मैं अपनी कलीसिया में कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में कानाफूसी नहीं करूँगा। अगर मैं देखता हूँ कोई व्यक्ति पाप में गिर रहा है या वो थोड़ा सा परमेश्वर से दूर है, तो उसको मैं काउंसलिंग करूँ, उसके लिए प्रार्थना करूँ, उसके साथ समय बिताऊँ कि वो फिर से वापस आ जाए, इसके बजाय कि हम इधर से उधर बातें फैलाएं, वो शोभा नहीं देता है एक विश्वासी को। इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय, इफिसियों की पत्री और उसका 4वां अध्याय और 3 पद में क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा मेरे दोस्तों, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। अपना मन बना लीजिए,
अपना सोच बना लीजिए इस प्रकार से, मानसिकता हो कि मेरा काम चर्च में जोड़ना है, तोड़ना नहीं। दूसरे और तीसरे पद में क्या लिखा हुआ है, इफिसियों 2:4-3 में, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। यहाँ पर हम सिर्फ एक 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 के बारे में बात कर रहे हैं। कलीसिया एक होना चाहिए, मसीह लोग एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा एक है, लहू एक है, यीशु उद्धारकर्ता एक ही है, विश्वास एक है। तो हम देखते हैं कि यूनिटी या एकता हमारे मन में समा जाए, ताकि हम अपने कलीसिया में इसका न सिर्फ प्रचार करें लेकिन प्रैक्टिकल रूप से जो विश्वासियों को हम एक करें। अगर दोनों दो के बीच में थोड़ा मन मुटाव होता है या थोड़ा सा बातचीत होती, कहा सुनी होती है, तो आपका और मेरा काम है कि भाई दोनों को सुलझाना। ये नहीं कि और आग में घी का काम करना, ये वैसा नहीं 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 नहीं। हमको प्रभु परमेश्वर ने मिलाने के लिए बुलाया है, रिकन्सिलिएशन के लिए बुलाया है और एकता के लिए बुलाया है। तो हम दोनों भाई बहनों को या भाइयों को एक करें, उनसे काउंसिलिंग करें, ये परमेश्वर की इच्छा है। हमारी मनसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर तीसरी बात हम देखते हैं, हमारा मनसा, हमारी जो मन की तैयारी है, जैसा हमने पहले देखा, दान देने में, दूसरा एकता में, तीसरा हमारा परिवार। हमारी मनसा ऐसी हो कि हमारे परिवार में एकता रहे, अलग अलग ना रहे, छिन्न भिन्न ना रहे। आजकल मैं देखता हूँ कई मसीहों के मसीह परिवार जो हैं छिन्न भिन्न हो गए हैं। पति कहीं और है, पत्नी कहीं और है, बच्चे कहीं और है। अगर जब पति वापस घर आता है काम से, तो पत्नी टीवी देखने में लगी हुई है, बच्चे मोबाइल से खेल रहे हैं, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, गुड नाइट कुछ नहीं बोलते हैं, सब अपने में मस्त हैं। क्या ये मसीह परिवार है? क्या ये ऐसा परमेश्वर चाहता है? हम देखते हैं इसके लिए, यदि आप पढ़ें, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ें इफिसियों 5वां अध्याय और उसका 22-6वां अध्याय 4 पद तक। फिर से मैं बोलूँगा, इफिसियों 5वां अध्याय 22 पद से लेकर के उसका 6वां अध्याय 4 पद तक यदि आप पढ़ें ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा हुआ किस प्रकार से पति का संबंध पत्नी के साथ होना चाहिए, पत्नी का संबंध पति के साथ होना चाहिए, मेल मिला, प्रेम, आदर वाला, समर्पण वाला, एक दूसरे की सहायता करने वाला, एक दूसरे में प्रेम में बढ़ चढ़ने वाला, जो बच्चे हैं वो माँ बाप की आज्ञा मानने वाले, माँ बाप जो हैं बच्चों को परमेश्वर का वचन सुनाने वाले, उनको डिसिप्लिन में लाने वाले। ये है साहब, ये है। इसमें आपको अपनी मंशा बनाना है कि मेरा परिवार एक मसीह परिवार होगा। और अगर परिवार में कहीं गड़बड़ी है, बहुत पति और पत्नी के बीच में महाभारत होता है या लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसमें जो पति है वो जिम्मेदार है, चाहे इसमें पत्नी की गलती क्यों ना हो, क्योंकि वो घर का स्वामी है, वो घर का हेड है, वो सिर है बाइबल के वचन के अनुसार। इसलिए इसकी जिम्मेदारी पड़ती है कि वो अपनी पत्नी को संभाले, प्रेम से बात करे, काउंसलिंग करे, चुपचाप बैठ करके एक दूसरे से क्षमा याचना मांगे अगर कोई गलती हुई है, क्योंकि इससे आपके बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो आपके लड़ाई झगड़े को देखते हैं और बाद में जा करके वही बाद में वो खुद करेंगे। तो मेरे दोस्तों, यदि आपके परिवार में शांति है, पति पत्नी मेल से रहते हैं, आप पति से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, पत्नी अपने पति से प्यार करती है, पत्नी आपको आदर देती है, बच्चे आपका आदर करते, कितनी खुशी की बात है। आप एक हेड होने के नाते
एक स्वामी होने के नाते ये मनसा बना ले कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी। और इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि मनसा बना लीजिए कि मैं एक मसीह परिवार, परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार, एक दूसरे की आदर करने वाला परिवार, एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करने वाला परिवार बनाऊंगी, ये मंशा रखे। क्योंकि लिखा हुआ है, मैंने शुरू में कहा, जैसा मनुष्य सोचता है वैसे ही वो होता है, वैसे उसके परिवार होते। आगे बढ़े और एक मंशा बनाएं, ऐसा मंशा बनाएं, मन की तैयारी करें कि आप के मुंह से कोई कड़वाहट ना निकले। आजकल मसीहियों के बीच में, विश्वासियों के बीच में बहुत कहा सुनी हो जाती है। मैंने सुना है कड़वाहट, द्वेष, गाली गलौज, क्या ये एक विश्वासी को शोभा देता है? आप ही मुझे बताइए, मुझे क्या बताने की ज़रूरत है। तो अगर ऐसा है तो हम उसको बंद करें और ऐसा स्पीच करें, ऐसी बोल चाल हो जो अनुग्रहित हो, प्रेम के साथ हो, सच्चाई के साथ तो हो लेकिन प्रेम के साथ हो। हमारा स्पीच, हमारा बोल चाल एक दूसरे को बढ़ाए, एक दूसरे को बनाए, गिराए नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। इफिसियों उसका 4:29 पद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूँगा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुँह से ना निकले, सुना, कोई गंदी बात तुम्हारे मुँह से ना निकले, हाँ, पर आवश्यकता पड़ने के अनुसार वही जो उन्नति का कारण हो, याद रखो इस बात को, याद रखना इस बात को, जो उन्नति का कारण हो, है ना, ताकि सुनने वालों पर क्या हो, अनुग्रह हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम अपने मन में ये बात बना लें, मन को तैयार करके रखें कि हम ऐसा करेंगे, मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा करूँगा। कभी कभी हम गुस्से में कड़वाहट वाली बात करते हैं जिससे सामने सुनने वाले को ठेस पहुंचती है। परमेश्वर ने आपको और मुझको एकता के लिए बुलाया है, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। तो हम अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में, कलीग के बीच में जो भी हम करें वो सुनने वालों के मन में एक अनुग्रह ठहर सके। हमारी बातें, हमारी जीभ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, तभी तो परमेश्वर आशीष देता है। सो 29वां पद में लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है, उन्नति के लिए उत्तम है, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे दोस्त हम ऐसा करेंगे तो देखिए, हमारी चर्च की आधी समस्या तो सॉल्व हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आजकल कभी कभी हम ज़्यादा बोलते हैं और गलत बोल जाते हैं, कभी कभी मजाक में गलत बात बोल देते हैं, ठेस पहुँचाते, ये ठीक नहीं है मेरे दोस्तों, आप जानते हैं इस बात को। तो हम अपनी मनसा, मानसिकता बोलने की बना लें कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए अपने कलीसिया के चर्च को बनाऊंगा और बनाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और मनसा आपको और मुझको बनाना है, कोशिश करना है। जो कुछ हम अपने मन में सोचते वैसे ही हम हैं, परमेश्वर का वचन तो यही कहता है, मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। तो एक और मनसा बनानी है, वो ये है कि जितना हो सके अपने टाइम के अनुसार, अपने गिफ्ट के अनुसार, दान के, वरदान के अनुसार हम दूसरों को सिखाएं, दूसरों की अगर काउंसलिंग करें, समझाएं, ये बहुत ज़रूरी है। अरे साहब, हम में से कौन दूध का धुला है, हम में से हर एक में कमज़ोरियां हैं, मुझ में भी कमज़ोरियां हैं, और मैं भी सीख रहा हूं और मैं सिखा भी रहा हूं। अभी मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, परमेश्वर का वचन के परमेश्वर के वचन के आधार पर आपसे मैं बात कर रहा हूं, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे, मेरे जीवन में काम करे। मैं एक टीचिंग कर रहा हूं एक तरह से, अगर हम उस संदर्भ में लें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियों
और उसका दूसरा अध्याय और 16वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और पौलुस यहाँ पर क्या कहता है कि मैं तुम्हें सिखाना मांगता था, तुम्हें सिखाता रहा, चाहे मैं जेल में रहा या स्वतंत्र रहा, मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण होगा कि मेरा दौड़ना व्यर्थ नहीं है, न मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि उसके सिखाने से कितने लोग परमेश्वर के समीप आए, कितने लोग प्रभु के पास आए, कितने लोग प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते गए। प्रेरितों के काम और उसका 8वां अध्याय और 4 पद, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और 4 पद में लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये लोग इधर उधर हुए, तितर बितर हुए और वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरते रहे। पूरे प्रेरितों के काम में अगर आप देखेंगे कि लोगों ने एक दूसरे को, प्रेरितों ने एक दूसरे को शिक्षा दिया जितना हो सका, जितना उनके पास टाइम था, ताकि जो कलीसिया है वो बढ़ती जाए। और आप जानते हैं कि पहली शताब्दी की कलीसिया कैसे बढ़ी, प्रेरितों की शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, एक दूसरे के साथ साझा चीज़ें करने, एक दूसरे की सहायता करने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहें। तो आपको और मुझको अपना मन बनाना है, मानसिकता बदलना है कि हम अपने बारे में ही ना सोचें, लेकिन हम दूसरों के बारे में भी सोचें, कलीसिया के बारे में सोचें, उसको बनाने के बारे में सोचें। तो टीचिंग जो है उसका मन भी हम बना लें, जहाँ कहीं भी हो। अगर आप घर में एक गृहिणी हो, पत्नी हो, तो दूसरे लेडीज़ के साथ आप समय स्पेंड कर सकती हैं, बता सकती हैं अपने ही विचारधारा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के आधार पर। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने जो साथी दोस्त हैं उनके साथ आप परमेश्वर का वचन शेयर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उसके मन को बना लें। फिर एक और चीज़ है जिसकी मंशा आपको और मुझको करना है, विलिंग माइंड, वो है वर्क विद द लोकल चर्च। परमेश्वर की कलीसिया के साथ जितना हो सकता है आप परिश्रम करें। पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय, पहला तिमोथी और उसका 3रा अध्याय और 15 पद में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से कि यदि मेरे आने में देर हो, यहाँ पौलुस लिख रहा है अपने आत्मिक बच्चे तिमोथी को कि भाई तिमोथी, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। ओके? तो ये तिमोथी को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई मेरे आने में देर हो जाएगी, कोई बात नहीं, तुम लोग देख रेख कर लेना, है ना, तुम भी इसी प्रकार से आत्मिक रूप से बढ़ते जाओ जैसा मैं हूँ, और अगर मेरे जाने के बाद भाई तुम ही चर्च के खंभे हो, है? तो तुम भी इन बातों को सीख लो। तो पौलुस यहाँ पर एक प्रकार से आदर्श बन करके तिमोथी के सामने है, और अगर मैं आऊँ या ना आऊँ तुम वैसा ही बर्ताव करते रहो जैसे मेरे उपस्थिति में करते हो। तो हमें लोकल जो चर्च है, हमारी जो जिस चर्च में हम जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, वहाँ पर भी हम एक सत्य का खंबा, एक परमेश्वर के कलीसिया का नेम बन करके उस कलीसिया को हम मजबूत करें, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये एक मंशा हम करें। तो विलिंग माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैकेदोनिया की जो चर्च था कैसा था, उन्होंने मन को तैयार कर लिया था कि भैया हम ऐसा करेंगे। तो आइए हम कुछ बातों को फिर से रिवाइज कर लें, किन किन बातों को, मैकेदोनिया की कलीसिया थी कैसे वो इन बातों को वो देखते थे। गरीब थे वो कलीसिया, धनवान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एका किया कि भाई हमारे कुछ विश्वासी लोग हैं, उनको वो गरीब हैं, उनको हमें सहायता करने की ज़रूरत है। तो बड़े मन की तैयारी के साथ उन्होंने उनकी सहायता की।
आर्थिक रूप से। हम सीखते हैं मकेदुनिया की कलीसिया से कि हम भी दान देने में अग्रणी रहे और एकता बनाने में अग्रणी रहे, इधर उधर की फालतू बात, इधर की बात उधर की बात ना लगाएं, लेकिन एक बनाने की कोशिश करें। अगर दो व्यक्तियों के बीच में अगर कुछ कहा सुनी हो गई, मन मिटाव है, तो हम उसको सुलझाएं, प्रार्थना करें, अरे भाई बहन आप लोग मत लड़िए, परमेश्वर का वचन प्रेम के लिए बुलाया, एकता के लिए बुलाया, तो एकता वाली बात करें। अपने परिवार को सुरक्षित रखें, एक विलिंग माइंड कि मैं अपने परिवार को सुरक्षित रखूंगा। आजकल शैतान परिवार पर बहुत अटैक कर रहा है, जी हाँ, और इसलिए क्योंकि अब पति पत्नी के पास टाइम नहीं होता एक दूसरे को टाइम देने के लिए, बच्चों के पास टाइम नहीं एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए, आप एक अपने मन में ये कर लें, कन्फर्म कर लें कि मैं अपने परिवार को परमेश्वर की महिमा के लिए बनाऊंगा, प्रेम में, समर्पण में, एक दूसरे के आदर करने में सक्षम रहूंगा, जैसा इफिसियों की पत्री और उसके पूरे 5वें अध्याय में लिखा। फिर आप एक और मन बना लें कि मेरा जो स्पीच है, मेरी जो बोलने का तरीका है, वो सत्य वाला तो हो लेकिन अनुग्रह वाला हो, सुनने वाले पर उस पर क्या हो, आशीष पड़े, वो सुनने वाला भी खुश हो जाए। और इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों, मैं एक जगह गया था, मैं कहीं काम कर रहा था, तो वहाँ के एक चौकीदार ने मेरे से कहा, ये सच्ची घटना है, उन्होंने कहा सर मुझे आपसे बात करनी, मैं बोला हाँ भाई बोलिए, कि यहाँ तो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन इनको बोलने की तमीज़ नहीं है। अरे साहब मेरे को धक्का लगा सुन करके, ये सच्ची घटना है, अगर हम बोलने की तमीज़ नहीं है हमारे जीवन में, तो हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों होशियार रहिए कि लोग हमें वाच कर रहे हैं, तो हम ऐसी चीज़ें बोलें, कड़वाहट वाली बात ना बोलें, लेकिन अनुग्रह वाली बातें दूसरे के साथ बोले और एक दूसरे को हम सिखाएं, चर्च में सम्मिलित हों। सो अपने मन को तैयार करें, ये पॉइंट है इन चीज़ों के लिए, परमेश्वर इसमें आपकी अगुवाई करे।